Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the theory subjects for semester 6. So most of you are commenting that ki we require some video on theory subjects, how to start the preparation for the theory subjects. So we have this video for all of you, aur is video se hum ये देखेंगे कि आपको थियोरी सब्जेक्ट्स जो है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है एंड द अदर सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स, उसके बारे में ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. और इस वीडियो में मैं आपको HRM के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ मॉड्यूल वाइज, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो को आप लास्ट तक देखें. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो जाए. और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज आपको इससे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और आपके हेल्प में प्रिपरेशंस में हेल्प हो सकता है. सो इफ यू सी दिस टू सब्जेक्ट्स ऑफ HRM एंड इकोनॉमिक्स, वी हैव दिस टू सब्जेक्ट विच विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग योर 200 मार्क्स, एंड दिस 200 मार्क्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम योर सेमिस्टर 6 एग्जामिनेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द प्रैक्टिकल एंड दे आर इग्नोरिंग द थियोरी सब्जेक्ट्स, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग द थियोरी सब्जेक्ट्स बट दे आर नॉट एबल टू गेट दैट मच मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. और इसमें आपको ये भी मैं बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से थियोरी सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, किस वे से आपको रिवाइज करना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो देखो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, जब हम कोई भी थियोरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले जो एज अ स्टूडेंट हमारी थिंकिंग है दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड. सो हमें कम टाइम में थियोरी सब्जेक्ट्स को खत्म करना है, हमें कम टाइम में थियोरी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और इस वे से पढ़ना है कि हमें इजीली अच्छे मार्क्स मिल पाए. तो हाउ टू सी दिस, उसके लिए आपको मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं. तो बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हम अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न, बिकॉज स्टूडेंट्स डू व्हाट, स्टूडेंट्स यूजुअली स्टार्ट द थियरी सब्जेक्ट्स डायरेक्टली रीडिंग, दे आर नॉट एट ऑल सीइंग द पेपर पैटर्न, दे आर नॉट एट ऑल सीइंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड. एक तो क्या करते हैं, लास्ट ईयर के सेमेस्टर 6 में जो पेपर आया वही पूरा पढ़ लेते हैं और फिर एग्जाम में जाने के बाद देखते हैं कि वो उस पेपर से कुछ क्वेश्चंस आए भी है लेकिन उतने रिपीट नहीं हुए हैं. तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है, सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न देखना है. मैं पेपर पैटर्न इसलिए बोल रहा हूं कि पेपर पैटर्न से आपको यह आइडिया आ जाएगा कि किस बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन से मॉड्यूल के ऊपर कितना परसेंट वेटेज है. सो दैट ऑल्सो वी नीड टू फर्स्ट सी. देन द सेकेंड पॉइंट विच वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट इज एनालाइज द मार्क्स पर मॉड्यूल, दैट इज द ओनली पॉइंट, बिकॉज इफ यू एनालाइज कि हर मॉड्यूल के ऊपर कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उससे आपको ये ओवरऑल ब्रीफ आइडिया आ जाएगा कि आपको किस मॉड्यूल के ऊपर कितना कॉन्सेंट्रेट करना है. देन द नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको देख के ये एनालाइज आप कर सकोगे कि विच आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्पेसिफिक मॉड्यूल विच विल बी आस्क इन द पेपर. तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स को एक बार गो थ्रू करना है. हमें ऐसा नहीं करना है हमको लास्ट ईयर जो पेपर आया तो वही पूरा मगअप करना है, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर एग्जामिनेशन. तो हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, फिर उसके बाद आपके पास दो दो पेपर अवेलेबल होंगे, एक आपके सेम 6 का एटीगेटी होगा, एक सेम 6 का रेगुलर एग्जाम होगा. तो दोनों पेपर को आप ध्यान से देखें, उसके बेसिस पे आपको आइडिया आ जाएगा कि विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी एक्सपेक्टेड. तो आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट किसी और से लेने से अच्छा आप अगर खुद ही पेपर को देखें तो आप प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं. एंड एज अ स्टूडेंट आप दोनों के दोनों पेपर से ये पता चलेगा आपको कि इस बार कौन सा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है. तो दैट इज द पॉइंट. सो एनालाइज द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एंड स्टडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कैन बी एक्सपेक्टेड. तो वो वही मैंने आपको पॉइंट बताया. लेकिन आप सिर्फ एक पेपर या दो पेपर, यूजुअली स्टूडेंट्स आस्क मी सर थ्योरी में क्या पढ़ना है, तो
थियोरी में लास्ट ईयर के दो पेपर कर ले, तो बेसिकली ऐसा नहीं आपको करना है, आपको लास्ट के दो पेपर को पहले एनालाइज करना है, बिकॉज एग्जामिनर लास्ट ईयर के पेपर में से ही सारी चीज़ें पूछेगा, तो लास्ट ईयर का पेपर और इस साल का पेपर सेम हो जाएगा, तो इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट ईयर के पेपर से एनालाइज करना है एंड उस बेस पे आपको अपने थियोरी के प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना है। तो जितने मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बोले हैं वो सारे के सारे अगर आप पॉइंट्स ध्यान दोगे तो आपको इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा, आप ट्राई करें और आपको अच्छे मार्क्स थियोरी के रिलेटेड मिल पाएंगे। तो अभी हम कुछ HRM के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, फिर मैं आपको इकोनॉमिक्स के भी ऐसे ही मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस दे दूंगा। तो अगर हम HRM की बात करें तो HRM में जो मॉड्यूल नंबर 1 है उसमें आपको ये क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं, डिफाइन HRM, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस है, कभी फंक्शंस पूछा जाता है, कभी इंपॉर्टेंस पूछा जाता है, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रैटेजिक एंड ट्रेडिशनल HRM के ऊपर आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, फिर एक्सप्लेन द जॉब एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, वो सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, फिर एक रिक्रूटमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, सम पेपर दे आस्क इंटरनल सोर्सेस, सम पेपर दे आस्क एक्सटर्नल सोर्सेस, तो दोनों के दोनों आप करके रखना, उसमें से कोई भी आए तो हमें प्रॉब्लम फेस नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू हैव टू स्टडी इज एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस, काफी इंपॉर्टेंट, तो सिलेक्शन प्रोसेस की जो स्टेप्स है वो भी आपको मॉड्यूल नंबर 1 में से पढ़ना है। देन द नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ HRD, तो दिस इज मॉड्यूल नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो इसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बेसिक। उसमें एक ट्रेनिंग की अगर बात करें तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। तो यहाँ पे मैंने ऑफ द जॉब एंड ऑन द जॉब दोनों लिखा है, बट पेपर में आपको दोनों में से एक पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज परफॉर्मेंस अप्रेजल से 1 क्वेश्चन तो पक्का आएगा, तो उसमें से आप लिमिटेशंस बेनिफिट्स पढ़ के रखें ध्यान से। और देर आर 2 मेथड्स, एक है ट्रेडिशनल मेथड, एक है मॉडर्न मेथड। आप अगर मॉडर्न मेथड्स भी पढ़े तो भी आप पेपर में इजिली आंसर कर पाओगे, बिकॉज रिसेंटली अगर देखा जाए तो मॉडर्न मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होगा। देन द नेक्स्ट पार्ट इज करियर प्लानिंग के ऊपर है, काउंसिलिंग है, मेंटरिंग है, उसके ऊपर है, तो आपका करियर प्लानिंग के ऊपर इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन बनता है या फिर मेंटरिंग के ऊपर भी इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन बन सकता है। सो इतने सारे क्वेश्चन है, देखो इतने सारे क्वेश्चन देने के बाद स्टूडेंट्स विल कमेंट, आप कमेंट करेंगे ये क्या सारे का सारा बुक ही के ही क्वेश्चंस उठा के दे दिए, बट एक्चुअली आपको इन बेसिक चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, बिकॉज ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इजीली आप आंसर कर पाओगे। आप अगर इसको भी कट शॉर्ट करके दो तीन क्वेश्चन ही पढ़ के जाओगे तो यू आर टेकिंग अ रिस्क, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो इसलिए बेसिक चीजों के ऊपर यूजुअली एग्जामिनर फोकस कर रहा है। देन द थर्ड मॉड्यूल इज ह्यूमन रिलेशंस, तो उसमें से आपको लीडरशिप की थियोरी है, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, वो पढ़नी है। देखो मैंने डिफरेंट थियोरीज ऑफ मोटिवेशन यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप में से अगर देखा जाए तो एब्राहम मास्लो जो नीड हायरार्की है, एक्स और वाई, डगलस मैक्रीगर, वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, थियरी एक्स एंड थियरी वाई ध्यान से पढ़ना है। वैसे तो आपको बाकी के भी बहुत सारी थियरीज दी है बुक में और मोटिवेशंस की तो काफी सारी थियरी है, लेकिन ये दो थियरीज के ऊपर आपके TY लेवल पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्प्लॉय मॉरल, तो एम्प्लॉय मॉरल के क्या फैक्टर्स है वो ध्यान देना है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, तो इमिशियल जो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है और उसके जो फैक्टर्स है वो भी आपको ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉसेस ऑफ एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस, तो व्हाट आर द कॉसेस ऑफ एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस, दैट ऑल्सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट। देन द एक्सप्लेन द एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर्स, तो एम्प्लॉय के जो वेलफेयर मेजर्स है उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होगा। एंड हियर कम्स द लास्ट मॉड्यूल, तो एक्सप्लेन द नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन कल्चर, तो इनोवेशन कल्चर के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर जो ये इनोवेशन के जो कल्चर का जो क्रिएटिंग है, दैट इज इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगर हम देखें तो मैनेजर्स का क्या रोल होगा डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन कल्चर, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक्सप्लेन HRIS भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके इंपॉर्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक्सप्लेन द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। और लास्ट में है चैलेंजेस फेस्ड बाय HR मैनेजर्स टू एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, तो इस बार HR का सिलेबस काफ़ी कम है, वी हैव लेस सिलेबस दिस टाइम, बट क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यू कैन इजीली स्कोर इन द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड आई एम ऑलवेज टेलिंग टू माई स्टूडेंट्स दैट इफ यू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन थियरी फॉर यूर TY, obviously it will give benefit to you and your percentage will increase, because most of the students are concentrating only on accountancy, तो वो आपको problem create करेगा। इसलिए आप accountancy पे concentrate कर रहे हो, no problem about it, but आप theory पे भी ज़्यादा focus करें, जो आपको आपके percentage बढ़ाने में काफ़ी help करेगा। अब इतने सारे questions जो मैंने आपको दिए हैं, इसका PDF
जो हमारा टेलीग्राम पे जो चैनल बनाया है मैंने, वहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप वहाँ से इस टेलीग्राम के जो ऐप है वहाँ से इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाए। फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम है, वहाँ से आप सीधा पहले टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले और वहाँ से सीधा आप उसमें ज्वाइन हो जाए। वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, सारे के सारे पीडीएफ मिलेंगे और एग्जाम से पहले मैं कुछ शॉर्ट शॉर्ट ऑडियोज बना के डालने वाला हूँ, जिसको आपको काफ़ी हेल्प होगा, ताकि जो स्टूडेंट्स एग्जाम में सिली मिस्टेक्स करते हैं, जो स्टूडेंट्स एग्जाम में डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अभी कल का पेपर कैसे अटेम्प्ट होगा, तो वो काफ़ी मेरे तरफ से आपको उसमें 100% हेल्प मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। आई एम रेडी टू हेल्प ऑल ऑफ यू, जस्ट टेक द बेनिफिट। तो दिस वॉज द पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी मैंने दिए हैं, अभी मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप ये शॉर्ट नोट्स को भी देख सकते हो और इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगें आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज उसका बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने जैसा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें, बिकॉज उनको भी इससे रिलेटेड बेनिफिट मिलना चाहिए। थैंक यू, एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।